सो हाय गाइस, कैसी है अपनी जीटी फैमिली। जो हमारे कुछ दर्शक हैं और आज हमने भी फाइनली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। सो वही हम अपने नाहिद भाई की वीडियो बना रहे हैं। सो उनके एक गाड़ी का शॉल लेने वाले हैं। सो हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ी ब्लॉगिंग करें। तो बाकी मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है अमित जोन ब्लॉग, जाके सब्सक्राइब करो यार। बाकी गाइस सपोर्ट करो यार अपने नाहिद भाई को। सो भाई सामने अपने नाहिद भाई अपनी मारुति 800 लेके आ रहे हैं। चेक करो गाइस, चेक करो गाड़ी, देख रहे हो कैसे ब्लिंक कर रही है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये है भाई वो वीडियो जिसका तुम सबको बड़ी देर से वेट था। तो ये रही अपनी मारुति 800 और आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू शूट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट, चलो। तो सबसे पहले भाई मैं आपको इसकी साइड लुक दिखा देता हूँ। ये देखो अभी टायर्स थोड़े गंदे हुए हैं तो उसको इग्नोर करना। मैं पूरी इसका मतलब हर साइड से आपको एक बार वो लुक चेक करा देता हूँ। ये देखो बैक साइड से और इस साइड से कुछ ऐसी लुक आ रही है इसकी, और फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। तो फ्रंट से ऐसी कुछ लुक आ रही है, आप देख सकते हो, ये देखो। और इसके साथ ही आप एक बार यहाँ का व्यू चेक करो, ऐसे कुछ ग्राउंड में आया हूँ मैं इसका रिव्यू शूट करने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई साइड प्रोफाइल की। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये देखो इसमें डले हैं अलॉय व्हील्स। इसका पूरा व्लॉग मेरे चैनल पे है, तो अगर आपने वो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और इसमें बाकी सारा स्टॉक ही है। और ये हैं इनको, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ। तो एक ये है और बाकी पूरी गाड़ी इस साइड से स्टॉक है। अब चलते हैं पीछे वाली साइड। तो बैक साइड से हमने बस ये जो लाइट्स हैं ये हमने स्मोक कराई हुई हैं, और गाड़ी पूरी डी बैच कराई हुई है। यहाँ पे बैचिंग होती है वो हटवाई हुई है। तो अभी चलते हैं आगे वाली साइड। तो आगे वाली साइड से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली लाइट्स ख़राब हो गई थी मतलब काफ़ी देर से, वो मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा इधर। तो ये दोनों मैंने चेंज करी हुई है स्टॉक ही, और इनके अंदर लगी हुई है नाइट आई की एलईडी, आपको दिख रही होगी। और इसकी पूरी एक क्लिप मेरे पास पड़ी है तो मैं अभी डाल दूंगा, तो एलईडी के बारे में आप देख लो उसमें। भाई आए हमारे जैसे 10K हो गया, और 10K पे ये नासिर भाई ने हमको ये एलईडी गिफ्ट करी, और अभी हम डालेंगे इसमें। करो इसकी अनबॉक्सिंग। दिखाना पहले एक निकाल। निकाल अपना बल्ब भाई, वो देखो ये डाल रहे एलईडी। कपलर खोल के रख दिया हमने, अब इसका कवर निकाल रहे हैं। भाई फाइनली जो अपनी एलईडी है वो फिट हो गई है, और मैं आपको अभी इसका रात को थ्रो दिखा देता हूँ। ये चेक करो अभी ये इसका लो बीम, ये हाई बीम। तो भाई एलईडी का तो आपने देख लिया, ये अंदर आपको ये क्रोम वाले हॉर्न्स देख रहे होंगे, ये हैं हेल्ला के डुअल टोन क्रोम वाले ट्रम्पेट हॉर्न्स। तो इसकी भी फ़ोटो आ रही होगी यहाँ पे, तो देख लेना। तो बाकी आवाज़ मैं इसकी अंदर जाके जब जाऊंगा तो वो सुना दूंगा आपको। बाकी गाड़ी स्टॉक ही है, तो अभी चलते हैं सीधा अंदर वाली साइड, चलो। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो ये है कुछ इंटीरियर, पहले जो दिख रहा हूँ बता देता हूँ। ये 70 मैटिंग हुई हुई है इसमें, और ये वाला लैंडलॉर्ड वाला कार हैंगिंग लगा हुआ है। बाकी ये आर्म रेस्ट, ये देख लो मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसी कुछ स्पेस भी है इसमें। और ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब ये होता है ना भाई मस्ट हैव वाली चीज़ है ये। बाकी ये तो अपना सामान पड़ा हुआ है। और हॉर्न अब मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, ये देखो। तो हॉर्न की ये आवाज़ है।
तो बाकी बस यही था मैट्स। बाकी इसमें ये म्यूजिक प्लेयर लगा हुआ है, शिकागो कोई कंपनी, आई डोंट नो मतलब कौन सी है। भाई रिव्यू शूट करते करते कुत्ता आ गया यहाँ पे, देखो खतरनाक ही लग रहा है भाई। फंस गए हैं यार हम, अब क्या करें भाई, रिव्यू के चक्कर में कुत्ता आ गया यार। अब ये जाएगा तो फिर दिखाता हूँ मैं आगे का जो भी है। भाई हमने भगाया तो है लेकिन अब डर ही लग रहा है यार कहीं कोई और ना आ जाए। तो भाई पीछे लगे हैं ये दो JBL के स्पीकर्स, इनका ये मैट मैश जो भी है वो ख़राब हो गया, लेकिन इनकी आवाज़ भी सुनाता हूँ मैं थोड़ी देर में, मस्त है। बाकी डिक्की तो इतनी है भाई, अब एक बार इसकी आवाज़ सुन लो आप ये। बाकी सीट कवर्स देख लो, ये बेसिक ही हैं, आप देख लो फिर भी एक बार ये ऐसा। और पीछे भी ये मैटिंग, पूरी मैटिंग जो भी है यार। अभी मेरे को अच्छे से मतलब रिव्यू शूट करना नहीं आता, तो जैसा भी बनेगा तो देख लेना भाई। तो बाकी हम इम्प्रूव करते रहेंगे, और क्या है दिखाने वाला भाई। पीछे मैं भूल गया था, ये टोइंग बेल्ट लगी हुई है, ये खाली शो के लिए है भाई, इससे हम गाड़ी मतलब टो नहीं करते हैं, क्योंकि ये बस नहीं तो बम्पर ही निकल जाएगा, ये खाली लुक्स के लिए है। बाकी मेरे को लगता है ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया भाई। अपने से जो भी टूटा फूटा छोटा मोटा जो भी मतलब रिव्यू बना तो वो मैंने शूट कर दिया, तो आप बताना भाई कमी है और सजेशंस आगे क्या करना चाहिए और क्या रह गया। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ़।